खबर रुद्रप्रयाग गढ़वाल से। रुद्रप्रयाग में केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत नए बस अड्डे पर पुनाड़ गदेरे के ऊपर करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई पार्किंग बदहाल स्थिति में है। पार्किंग पिछले 2 सालों से लावारिश हालत में है। पर्यटन विभाग की ओर से पार्किंग का निर्माण कराया गया, लेकिन पार्किंग अब तक नगर पालिका को हैंड ओवर नहीं हुई। ऐसे में पार्किंग में जहां जहां वाहन मनमर्जी से खड़े रहते, हर समय जाम की समस्या बनी रहती। इतना ही नहीं, पार्किंग शराबियों का अड्डा भी बन चुका। आए दिन पार्किंग में शराबी जमा हो जाते और शराब बियर की बोतल पार्किंग में तोड़ कर चले जाते। पार्किंग की देखरेख ना होने से पार्किंग को अराजक तत्वों की ओर से क्षति भी पहुंचाई जा रही। पार्किंग में बने पर्यटक सुविधा केंद्र के दरवाजों को भी तोड़ दिया गया है। योजना के अंतर्गत रुद्रप्रयाग हेडक्वार्टर में पार्किंग का निर्माण किया गया है, जो वर्तमान में हैंडओवर नहीं हो पाई है। इसके लिए शासन में भी हम लोगों ने संपर्क कर लिया है और आशा है कि जल्दी इसका हैंडिंग ओवर का कार्य पूर्ण होके ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। ऑल्दो इसको अभी इस्तेमाल किया जा रहा है, तो गाड़ियां आप जैसे देख सकते हैं हमारे यहाँ ऑलरेडी पार्क हो रही है। विगत 2-3 सालों से हमें लग रहा है कि इसका निर्माण कार्य 2 साल पहले पूर्ण हो चुका था, लेकिन आज भी सरकार के माध्यम से जब योजना का निर्माण कार्य पूरा हो गया तो किसी संबंधित विभाग को इसको सौंपना चाहिए था, चाहे पर्यटन विभाग से चाहे नगरपालिका, जिससे इसका रखरखाव के बारे में और इसके मेंटेनेंस के बारे में या देख सके किस प्रकार से गाड़ियां लगनी है। आज भी इस पार्किंग में प्राइवेट गाड़ियां लगी हुई हैं और आम गाड़ियों के लिए ये बना हुआ था कि जिससे कि आम पब्लिक की गाड़ियां आती हैं उनके लिए सुविधाएं मिल सके, लेकिन वो आज भी सुविधा से वंचित हैं, जबकि प्राइवेट गाड़ियां अन्यत्र भी लग सकती थी और हमारे गाँव से जो आने वाली गाड़ियां हैं, पैसेंजर हैं, यहां पर रुक सकते थे और अपनी गाड़ियां खड़ी कर सकते। खबर भारतवर्ष के लिए रुद्रप्रयाग गढ़वाल उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।